बात करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। हमने प्रिंसिपल्स की बात करी थी, हमने फीचर्स की बात करी थी। अब जो इंश्योरेंस है बेसिकली, मतलब वो हम किस पर्पज से कराते हैं, कौन से रीजन हमारे पास हैं। फर्स्ट वन जो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो है प्रोवाइड सर्टेनिटी। सर्टेन, कोई ऐसी चीज फ्यूचर में होती है तो मुझे पता है कि इतना अमाउंट तो पैसे का मिल ही जाएगा। अनसर्टेनिटी होती है कि जो चीज मैंने सोची ना हो फ्यूचर में हो जाए। अब ये इंश्योरेंस तो मैंने सोची हुई है ना, मैंने खुद कराई है और मुझे पता है कि कल को कोई भी लॉस होता है उस लॉस की पेमेंट हो जाएगी। कौन उस लॉस की पेमेंट करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। देर आर अनसर्टेनिटीज ऑफ हैपनिंग ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ लॉस, ठीक है, किसी भी तरीके का आपका लॉस हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है, फायर ब्रेकआउट हो सकती है। तो आप लोगों को जो भी आपकी आपका लॉस हुआ है उसकी पेमेंट आप लोगों को रिसीव हो जाएगी। द इंश्योरर चार्जेस प्रीमियम, तो उसके बदले में जो कंपनी है वो आपसे क्या चार्ज करती है? प्रीमियम। सिंपल सी बात, ठीक है। पहले उन्होंने लिखा है कि पेमेंट जो है आपको जितना रिस्क है उसकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट जितना लॉस हुआ है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस, क्योंकि हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस करी थी ये चीज। हमने यही डिस्कस करा था कि अगर कोई लॉस होता है इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, देन एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस विल बी कंपनसेटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। ज्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा, पर उसके बदले में फ्री तो वो सर्विसेज नहीं देने वाले ना, कि कल को किसी भी दुनिया में किसी भी लोगों का जो है नुकसान हो रहा है तो कंपनी उनको पैसा बांट रही है। नहीं, उनके लिए वो क्या चार्ज करते हैं आपसे? प्रीमियम चार्ज करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटेक्शन। एक तो मैं इंश्योरेंस इसलिए कराती हूँ क्योंकि ये मुझे क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किस चीज के लिए प्रोटेक्ट करती है? जो भी मुझे लॉस होने वाला है, जो भी फ्यूचर में मुझे नुकसान होने वाला है। द सेकेंड मेन फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोबेबल चांसेस ऑफ लॉस। पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में, क्योंकि मेरा मान लो कि जैसे मेरा वेयर हाउस है या स्टोर हाउस है, वहां पे ऑयल पड़ा है, तो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि उस ऑयल को आग लग सकती है। या जैसे पटाखे क्रैकर्स हैं, ऐसा मेरा वेयर हाउस है, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि वहां पे आपको लॉस हो सकता है। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि प्रोबेबल चांसेस ऑफ लॉस जो है उनके अगेंस्ट आप लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाती है। इंश्योरेंस cannot स्टॉप the हैपनिंग ऑफ रिस्क। अब इंश्योरेंस कराई है तो ऐसा तो है नहीं ना कि आप लोगों को फ्यूचर में कभी भी जो हम कहें कि आपने इंश्योरेंस करा दी है तो कभी बाढ़ आएगी नहीं, फ्लड नहीं आएगी, अर्थक्वेक नहीं आएगा। क्या आप उसको रिमूव कर सकते हो? नहीं, आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते, स्टॉप तो नहीं कर सकते, बट अपने आप को इंश्योर करा सकते हो कि इन केस लॉस होता है तो कंपनी आपको इतना पैसा दे देगी ताकि आपका लॉस जो है वो कंपनसेट हो जाए, ठीक है। सो ये चीज लिखी है कि आप उन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, बट आप उनको क्या कर सकते हो? एटलीस्ट रिमूव कर सकते हैं कुछ ना कुछ हद तक। नेक्स्ट लिखा है रिस्क शेयरिंग। कौन रिस्क शेयर करता है मेरे साथ? इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। जो भी हमें लॉस होने वाला है वो रिस्क जो है वो आप लोगों का शेयर हो जाएगा विद इंश्योरेंस कंपनी। On the happening of risk event, loss is shared by all the persons exposed to it. कि अगर कोई भी loss होता है, ठीक है, जो भी person जिनको भी इनसे नुकसान हुआ है, वो risk आपका उन लोगों के साथ क्या हो जाएगा? Share हो जाएगा। The share is obtained from every insured member by the way of premium. अब मैं आपको ना यहाँ पे ये वाली line जिन्होंने लिखी है ना, इसकी मैं example देती हूँ। हम लोगों ने बात करी थी कि फॉर एग्जाम्पल ये HDFC कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी में ए ने भी प्रीमियम दिया, बी ने भी प्रीमियम दिया, सी, डी, इस तरीके से लाखों लोग हैं इंडिया में जिन्होंने प्रीमियम दिया है HDFC को, कि कल को अगर इन लोगों को लॉस हो रहा है तो ये लॉस कौन कंपनसेट करेगा? HDFC। अब जाहिर सी बात है कि अगर लाखों लोग हैं, लाखों लोगों को इकट्ठे तो लॉस होने वाला नहीं है, किसी एक को होएगा, दो को होएगा। तो जो आप लोगों ने प्रीमियम इनको दिया है वही प्रीमियम अमाउंट आप लोगों को वापस कर दिया जाएगा, मतलब जिसको पहले लॉस हो गया, ठीक है, बाद में बी को हुआ तो बाकी का जो प्रीमियम था वो किसको दे दिया? मतलब आपका जो सम एश्योर्ड था वो बी को दे दिया। तो इस तरीके से होता क्या है कि जो आप लोगों का रिस्क है,
ठीक है, वो शेयर किया जाता है. अब दोबारा से ये लाइन पढ़िए, द शेयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एवरी इंश्योर्ड मेंबर. आप लोगों ने ये सारा पैसा था वो उनसे रिसीव करा था बाय द वे ऑफ प्रीमियम. तो अल्टीमेटली यही पैसा आप उनको क्या कर देते हो, जब कोई भी पैसा नुकसान होता है तो उनको वापस दे दिया जाता है. ये एक और जो है हम कह सकते हैं कि फंक्शन है इंश्योरेंस का. नेक्स्ट लिखा है असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन. असिस्ट इन मतलब हेल्प इन, किस चीज में आपकी हेल्प करता है, कैपिटल फॉर्मेशन में. द एक्युमुलेटेड फंड्स ऑफ द इंश्योरर, इंश्योरर कौन है यहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी, कि जो आप लोगों ने फंड्स इकट्ठे किए हैं या जो आपने रिसीव करा है जो भी पैसा बाय द वे ऑफ प्रीमियम, वो आप लोगों ने क्या करना है, इन्वेस्ट कर देना है. अब वही एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि HDFC कंपनी है, HDFC कंपनी को बहुत लोगों ने प्रीमियम दिया है. अब मेरे पास जो लाखों करोड़ों रुपीस पड़े हैं या 10 करोड़ रुपीस पड़े हैं, मैं उनका क्या करूंगी, मैं उस पैसे को आगे इन्वेस्ट कर दूंगी, मुझे इसके ऊपर रिटर्न मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जिसको आप ब्याज कहते हो. ठीक है, तो ये कंपनीज को क्या होता है, फायदा होता है, सॉरी. असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, कंपनीज की कैपिटल बन जाती है. सब लोगों ने प्रीमियम दे दिया तो HDFC इतने पैसे को लॉकर में तो रखने वाला नहीं है, बैंक में तो रखेगा नहीं, क्या करेगा, उस पैसे को आगे इन्वेस्ट कर देगा, उसके ऊपर रिटर्न आता रहेगा इंश्योरेंस कंपनी को. तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि जो भी फंड्स हैं, जो भी पैसा आपने बाय द वे ऑफ प्रीमियम किसने रिसीव करा है, कंपनी ने रिसीव करा है, वो आगे आप इन्वेस्ट कर देते हो इन वेरियस इनकम जनरेटिंग स्कीम्स. कोई भी स्कीम हो सकती है, आप आगे इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कुछ भी करा सकती है, उसकी इंश्योरेंस करा ले, शेयर्स में पैसा लगा दे, डिबेंचर्स में लगा दे, फिक्स डिपॉजिट में लगा दे, इट इज टोटली अप टू द कंपनी. तो इन्होंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया है कि जो भी पैसा है, ठीक है, वो आपने क्या करना है, वेरियस जो स्कीम्स हैं, जनरेटिंग स्कीम्स हैं, ठीक है, इनकम जनरेटिंग स्कीम, उनमें आप पैसा लगा सकते हो. सो ये हमारा टॉपिक था कि जो हम लोग फंक्शंस हैं, कि आप लोग जो इंश्योरेंस कराते हो उसका मेन फोकस क्या है, ठीक है, किस पर्पस से आप लोग उस इंश्योरेंस को कराते हो. सो यहाँ तक तो ये हमारा एक टॉपिक है, वो कंप्लीट.